ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुधवार को जगदलपुर में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि 9 जून को जम्मू कश्मीर में कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर कायराना हमला किया गया, जिसमें 10 श्रद्धालु मारे गए। इस हमले का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। उनको आतंकवादियों के द्वारा वैष्णव देवी यात्रा में हमारे 10 सनातनी भाइयों को, बच्चों को धोखे से मारे हैं। हम तो महामहिम और प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं, कचरा को साफ करो, हमको जियो और जीने दो। पुराना नारा था, हम उसको भूलते हुए कचरा साफ करो, हमको आराम से जीने दो। दो 10 साल हम आराम से जिए हैं और आगे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा जीने का मौका दो। और हर दिन सर्जिकल स्ट्राइक करो, हर दिन कचरा को, कीड़े मकोड़ों को मारते जाओ, हमारा देश को सस्य श्यामल रखो। आज बजरंग दल द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा जगदलपुर में पुतला दहन, आतंकवाद का पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया था, जो अमरनाथ से मादंतेश्वरी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो बस में श्रद्धालु गए थे, उन पर आतंकवादियों ने जो हमला किया, ये इसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने आतंकवाद का पुतला दहन किया है, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है। धारा 370 हटने के बाद लगा था कि जम्मू कश्मीर में जो है शांति व्यवस्था बहाल होगी, लेकिन जो हिंदुओं को चिन्हांकित करके उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, इसलिए उसका हम लोग विरोध किए हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान पोषित जिहादियों के द्वारा माँ वैष्णो देवी में जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया गया और उनको बम से एवं गोलाबारी की गई, हम उसका विरोध करते आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो कि बजरंग दल के तत्वाधान पर पूरे देश में हो रहा है। आज उनके ही माध्यम से आज जिला बस्तर पर भी आज यह तारतम्य में कार्यक्रम रखा गया है और उसी में आज हम मानसिक रूप से हम उनका विरोध करते हैं और उनके केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि किसी भी प्रकार से इनको बहुत कठोर दंड देते हुए इन पर कार्रवाई की जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।